आपको पता होगा मैथ का एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के ऊपर, जो कि दिया रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली आप डायरेक्ट देखकर कह सकते ए प्लस बी, सो ए प्लस बी पुट कर लेंगे सो आपका आंसर होगा। जैसे कि इस टाइप क्वेश्चंस में देखिए, इस टाइप क्वेश्चंस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर में होगा एंड नीचे जो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, जो कि डायरेक्ट आप पुट कर सकते ए प्लस बी। ए क्या होगा, ए होगा यहाँ पर 0.5 होगा, बी 0.4 होगा। तो सिंपली आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते इस तरह से। सो सिंप्लीफिकेशन के ऊपर इसी टाइप के इसी दोनों फॉर्मूला के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलवर राव, दिख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और ये पर पहला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है 0.125 प्लस 0.064 अपॉन 0.25 प्लस 0.16 माइनस 0.2। तो सिंपली आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 0.125, देखिए 0.5 का क्यूब जो कि 0.125, तो सिंपली 0.5 का क्यूब कर लीजिए प्लस यहां पर देखिए 0.064, सो 0.4 का क्यूब जो कि 0.064। अब सिंपली देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लाना है, तो सिंपली 0.25 यानी कि 0.5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब माइनस ए बी माइनस माइनस ए क्या है 0.5, बी क्या है 0.4, सो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 4 = 20, सो 0.2 ऑलरेडी है। अब लास्ट में जो कि 0.4 का स्क्वायर होगा, जो कि 0.4 का स्क्वायर 0.16 का स्क्वायर। तो सिंपली देखिए अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते ए प्लस बी। ए यहां पर क्या है, ए है 0.5 प्लस बी क्या है, बी है 0.4, सो ऐड कर लीजिए 0.9 आपका आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर सेकेंड क्वेश्चन देखिए 0.835 × 0.835 × 0.835, सो 0.835 को मान लीजिए ए। तो सिंपली क्या होगा, देखिए ए इंटू ए इंटू ए क्यूब प्लस या पर 0.165 को मान लीजिए बी, सो क्या होगा बी इंटू बी इंटू बी बी क्यूब अपॉन या पर 0.835 जो कि ए, सो ए इंटू ए जो कि ए स्क्वायर माइनस 0.835 ए, सो ए 0.165 बी इंटू बी प्लस 0.165 × 0.165 जो कि बी बी स्क्वायर। तो सिंपली देखिए यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी। और a प्लस बी यानी कि a जो कि 0.835 प्लस बी 0.165 ऐड कर लीजिए जो कि 1 आपका आंसर ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर थर्ड क्वेश्चन, यह पर 147 को 147 इक्वल टू a मान लीजिए एंड 123 इक्वल टू b मान लीजिए। सो सिंपली क्या होगा, देखिए ए इंटू ए इंटू ए जो कि ए क्यूब प्लस बी इंटू बी इंटू बी बी क्यूब अपॉन ए इंटू ए ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी। अब ए प्लस बी ए जो कि 147 एंड बी 123 एड कर लीजिए जो कि 270 ऑप्शन डी आपका आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए इतना ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखकर आप कह सकते 147 प्लस 123 प्लस कर लीजिए, वही आपका आंसर जो कि ये वाला। तो इतना ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, यहां पर 0.125 यानी कि आप क्या कह सकते हैं 0.5 का क्यूब प्लस 0.027 जो कि 3 का क्यूब, सो 0.3 का क्यूब जो कि 0.027 अपॉन 0.5 स्क्वायर माइनस, या पर ए बी करना है जो कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ए जो कि 0.5, बी 0.3, सो 5 × 3 जो कि 15 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब सिंपली देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सिंपली 0.5 प्लस 0.3, सो 0.5 प्लस 0.3 0.8 आपका आंसर ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं जो कि 0.87 प्लस 0.13 होगा। किस तरह से देखिए, 0.87 को मान लीजिए a, सो a क्यूब प्लस 0.13 को मान लीजिए b, सो b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। अब फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। तो सिंपली यहां पर जो कि माइनस पीछे है डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि आप कह सकते हैं 0.87 प्लस 0.13 ऐड कर लीजिए जो कि 1 आपका आंसर ऑप्शन डी। तो उम्मीद है कि आगे आप इस टाइप क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से निकल सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।